हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। सो गाइस, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मम्मी पापा जा रहे हैं वृंदावन और तैयारी हो चुकी है, तो आइए हम भी उनको नीचे तक छोड़ने चलते हैं। आज मम्मी और पापा निकल रहे हैं मथुरा के लिए। जैसा कि पापा ने पहले ही बोल दिया था, अब शादी हो चुकी है बच्चों की, तो अब घूमते ही रहना है। तो आज है इनका वृंदावन मथुरा का टूर। तो अभी अनुज और भाभी तो नहीं है, भाभी ऑफिस गई है और अनुज भी गया हुआ है। दिव्या नीचे आई है मम्मी को छोड़ने और ये लोग जा रहे हैं। तो मम्मी मथुरा जाके फोन वोन करना, वीडियो वगैरह बनाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, अच्छा ध्यान रखना। तो ये जा रहे हैं घर से बाहर और बहुएं खुश होंगी ये सुन के। बाय। अच्छा बाबा। और मम्मी पापा अभी निकले नहीं है और अनुज की बातें सुनो। अनुज अभी घर आया, उसे पता चला है कि मम्मी पापा चले गए तो क्या कह रहे हैं, देखो सुनाता हूँ आपको भी। हाँ, तो अनुज आपका क्या कहना है? मम्मी ये देखो कितना खुश है, है मेरा। कितना खुश है, नाच रहा है। और बहू कह रही है ये शिट यार, आज इनका खाना क्यों बना लिया, ये कह रही है। क्या मेरी तरफ से आज ही दोनों बहुएं तिहाड़ जेल से छूटी हैं, जेलर दोनों जेलर चले गए। खाना खुद बना लेना, अरे देख रहे हैं अब उनको जाते कह रहे हैं अपना खाना खुद बना लेना। अरे देखिए ये देखो जाते पैकेट छुपा रखे थे, ये निकल के आ चुके हैं। टू यम है, टू यम। मम्मी पापा का जाना इनके लिए ऐसा टू यम हो जाता है ना। अभी तो भाभी को पता चलेगी खुशखबरी ऑफिस आने के बाद, तब कहेंगे अरे लेकिन आ जाए। आज भूखी रहेगी भाभी, कहेगी आज बाहर से ही आ जाएगा खाना बनाने की, तो झंझट खत्म। अभी मेरे को लग रहा है जो रुचि 7-7 बजे तक आती थी, अभी 7:30 तक, 7:30 तक आज जल्दी ही आ जाएगी कि मम्मी नहीं है। 4-5 बजे ही आ जाएंगे आज, 4-5 बजे। और दिव्या आपका क्या कहना है? मम्मी पापा के जाने का दुख पर कम दिन के लिए है, तो दुख ज्यादा दिन के लिए चाहिए था ऐसा दुख है। तो ऐसे की जा रही है बीवी की सेवा, यहाँ राहुल लग चुके हैं काम पे माँ पापा के जाने के बाद। सेवा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है मुझसे। मैंने तो नहीं बोला, तुमने खुद ही बोला कि क्या करूँ, क्या सेवा करूँ मैडम तुम्हारी। क्या सेवा करूँ मैडम तुम्हारी, और सब देख सकते हैं, सब पतियों को पता होगा जब घर में सास ससुर चले जाते हैं तो औरत रोब झाड़ती है। और ये बनवा रहे हैं मुझसे मैगी जबरदस्ती। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, मेरा कोई मन नहीं है इनको मैगी खिलाने का, इनको सांड बनाने का पड़े पड़े। और ये इनकी एक अलग दुनिया है, ये एक अपनी अलग दुनिया में आपको दिखेंगे। ये देखिए ये और इनका पबजी, इनको किसी बंदे से किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या हो रहा है। इनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये धरती पे रहते हैं। पता है गए कौन है घर से, कहाँ गए हैं और कौन गए? पता नहीं भाई, अब तो मेरी आयश है, मैंने देखा नहीं भाई इतने टाइम से किसी को। क्यों आयश है आपकी, आप तो ऐसे कुछ काम नहीं करते। क्यों नहीं करता, क्या काम मोटर नहीं चलानी है? अच्छा वाह, इतना इम्पोर्टेंट काम। और पानी की टंकी खोल के कौन आया? वाह वाह, क्या काम किया है, बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं आज का खाना राहुल बना रहा है। वैसे भी खाना नहीं है ये, मैगी है। ये मैगी है, खाना बनाऊंगा मैं इनको, मैं सांड बनाऊं खिला खिला के। हैं सांड तो हम कहीं से नहीं है, लोग कह रहे खाना दो अपनी बीवियों को। कोई नहीं बोलता खाने, बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं, पति कोई नहीं बोलता ना, औरतें बोलती होंगी सिर्फ कि खाना दो। जिस दिन पतियों के कमेंट आएंगे ना कि अपनी बीवियों को खाना दो, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ बनना चाहिए खाना। तो आज इसको भूख लगी है क्योंकि इसको पता है इसका पति मैगी बना के खिलाएगा। एक ही चीज तो आती है मेरे पति को बनानी, ओ, तो भी नहीं बनाओगे तो पुलाव। सारा चीटिंग करके बनाया था, तुम भूल गए। चीटिंग करके बनाया था भाई ऐसा पुलाव ना, तारीफ अभी तक टेस्ट नहीं गया तुम्हारे मुंह से। कुल्ला भी नहीं किया हमने उस दिन से। बहुत काम करवाया जा रहा है यहाँ मेरे से, और मेरी मैगी में ना हाथ मत लगा। हाँ सिर्फ नंबर बनाने के लिए कि तूने बनाई है, तूने नहीं बनाई, मैं ही बना रहा हूँ ये मैगी। ये देखो जिसकी बीवी ऑफिस गई होती है वो कैसे बैठा रहता है, मजे आ रखे हैं इस लड़के के। जिसकी बीवी ऑफिस उसका भी बड़ा नाम है। कोई नहीं बेटा, 1.5 घंटा रुक जा। तैयार हो चुकी है बहुत ही डिलीशियस मैगी, ये देखिए क्या लाजवाब मैगी बनाई है मैंने आज।
ओए ये मतलब खाएंगे ना एक गुण गाते रहेंगे मेरा। ये देखिए पूरा टमाटर और प्याज से भरी हुई मैगी। तो हम जल्दी से मैगी खाते हैं क्योंकि इसके बाद बर्तन भी धोने हैं हमने आज। क्या शानदार मैगी बनी है। और मैं बताना चाहूँगा मैं यहाँ मैगी बना रहा था, अनुज और दिव्या नीचे मोटर चलाने गए थे और एक मोटर का प्लग फूंक दिया उन्होंने, तो ये इनके काम है। मेरा भाई नीचे मोटर का प्लग फूंक के आ चुका है ऊपर। कैसी बनी है मैगी? बहुत टेस्टी। मजा आ गया खा के? मजा। और ये ले आई है हमारे लिए जूस। और ये देखो प्लेट खत्म हो गई है, लेकिन स्वाद ऐसा है कि बंदी छोड़ नहीं पा। मैगी अच्छी होती है? मैगी अच्छी नहीं होती है। देखो ये इसने जीप से भी चाट लिया, ऐसा लग रहा है चाट चाट के इसने स्टील भी खा लिया थोड़ा सा। तो ये है इसके पति के हाथों का स्वाद। ये है वो हाथ जो व्यूअर्स देखना चाह रहे थे, कौन से हाथ है वो, ये वाले हाथ देख सकते हैं आप। और यहाँ हम आए थे किसी काम से बाहर और आप देख सकते हैं मम्मी पापा नहीं है तो गाड़ी नहीं चल रही हमारी। ये देखो क्या क्या तकनीकें अपनाई जा रही हैं बाइक स्टार्ट करने के लिए, पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं पैदल चल रही हूँ पीछे पीछे, और हम मार्केट के बीच में ही फंस गए हैं। और यहाँ जब भी मैं आती हूँ क्या है ये, क्या तरीका है, मतलब बैटरी मुझसे क्या दुश्मनी है क्या कोई? बैटरी खत्म हो गई, पेट्रोल तो पड़ा है। मेरे को पैदल चलाने के ये बहाने तो नहीं है? चुप कर। और भाभी आ चुकी है वापस, और आप जैसे ही मैंने बताया कि मम्मी पापा घर पे नहीं है तब से हंसी नहीं रुक रही है। देखो हंसी जा रही है मुंह मोड़ मोड़ के। हंसमुख चेहरा नहीं है ये, जो खुशी का चेहरा है ना अभी खुशी हो रखी है जो। भाई आज खाने में क्या भाभी? अभी तो ऑर्डर करेंगे बनाएंगे नहीं। तू कर रहा था बता ऑर्डर। देखा इनके हाथ पैर जंग खा जाते हैं सास ससुर के जाते ही। क्या है दिव्या आज खाने में? है खाने में वही है जो होता है बस, खाना और क्या होगा। हवा हवा। इस टाइम तक मैं बताना चाहूंगा इस टाइम तक सब्जी कट कुट के सब्जी बन जाती थी, मतलब अगर एक दिन हम नहीं भी बनाएंगे वो एक दिन हर बार वो वाला दिन क्यों होता है जब मम्मी पापा घर में नहीं होते। ठीक है एक दिन हो तुम भी तो थोड़ी डाइट, तुम्हारे पेट इतने बाहर आ रहे थोड़े अंदर वहाँ पड़ा हुआ है तेरा भाई तो पड़ा ही हुआ है जो कर सकते पर नहीं बना जाओ। देखा गाइस ये देखो तो हकीकत हकीकत। आज इनके लिए हम चाय बनाने के लिए उठते हैं वो है नहीं। क्या करना है हमने 6 बजे? आप उठोगे 6 बजे तो हम उठ जाएंगे। नहीं, तो फिर हम क्यों उठे? तो कल का भी इन्होंने कल का भी प्रोग्राम सेट कर लिया है ना उठने का। लोग सेट करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं कि कल सुबह जल्दी उठ के ये करना है, ये प्रोग्राम बना रहे कल नहीं उठ के ये नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड चलो ठीक है बढ़िया है। जब माँ पापा आएंगे तो बोलेंगे वाह हमारे बेटे इतने मोटे थे और आते ना कितने फिट कर दिए हमारी बहुओं ने, वाह वाह तारीफ होगी हमारी। यहाँ आप देख सकते हैं सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट आज बनाया जा रहा है राहुल के द्वारा, और किचन में लगे हुए हैं राहुल, सैंडविचेस बना रहे हैं राहुल। देख सकते हैं बटर निकालने की कोशिश की जा रही है, शायद निकाल नहीं पा रहे। हाँ कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट बनाते हुए? मस्त ना, चलो रोज बनाया करो। और हमारा दुख दर्द देखकर मेरी साली लेके आई है मेरे लिए पास्ता। तुम्हारे लिए नहीं लेके आई, वो अपनी बहन के लिए लेके आई। मेरे लिए लेके आई है पास्ता। इसने आज बनाया है व्हाइट सॉस पास्ता। शक्ल दिखाओ दिखाओ अब पास्ता। और ये आई है अभी शादी से, ये देखिए ओ बहुत ही अच्छा पास्ता लग रहा है शक्ल से। घर का थोड़ा काम करना भाई, खाना घर का काम कर करके मर गया हम सुबह से घर का। हाँ भाई कल खा मैगी तुम्हें खिलाई मैंने, चाय तुम्हें पिलाई मैंने, उसके बाद आप तो आए नहीं शाम को। सुबह ब्रेड सैंडविच किसने बनाया? और ये खाऊंगा मैं अब पूरा।
ये पूरा मैं खाऊंगा। तो ये है व्हाइट सॉस पास्ता जो बना के लाई है मेरी साली तन्नु स्पेशली दीदी के लिए। हो गया। और ये भी पलट गई साली, पलट गई दीदी के आगे बोल साली पलट गई जीजू के लिए है तो जीजू के लिए है ना। तो अब हम जल्दी से खाएंगे पास्ता। अनुज अभी अभी गया है बाहर और वो उसके लिए थोड़ा सा रख देंगे वरना बोल के गए वो पहले से ही बोल के गए। और ये है बेसन के लड्डू तन्नु के लिए मैंने पहले से ही रखे थे। तन्नु खाओ। हमारे खत्म नहीं हो रहे थे तो मैं कह रहा था किसी को भी खिला दूंगा। और ये दिव्या लेके आ गई है माल्टे का जूस तन्नू के लिए। और कल रात को हमने देखी एक हॉरर मूवी और हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, वो मतलब कॉमेडी हो गई हमारे साथ। बताना चाहोगे कैसी थी मूवी? उससे अच्छा तो मैं उससे अच्छी तो यही भूत नहीं लगती अच्छा है मैं डरा दूं वो तो शुक्र है मैं बीच बीच में इन दोनों को देख रहा था तो मुझे थोड़ा डर जा रहा था, डर लग रहा था। अब हम खाएंगे पास्ता, अब हम करेंगे पास्ता पारी पास्ता। तो गाइस हमारी पारी हो रही है। क्या हो रही है? पारी हो रही है। और अनुज अभी आने वाला है थोड़ी देर में, कुछ लेने गया है बाहर। अनुज भी आ चुका है। और अनुज कैसा बना है पास्ता? पास्ता तो तन्नू बहुत बढ़िया। ये देखो सिर्फ ये बच गया है तो तन्नू को 10 में से 10 नंबर मिले हैं। और नेक्स्ट 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 क्या बनाने वाली है, बना के खिलाने वाली है? पास्ता का पैसा। शेजवान सॉस प्लस नाचोज प्लस ठीक है ओके। और ये मम्मी पापा वापस आ चुके हैं वृंदावन से। तो आइए जानते हैं मम्मी पापा से कैसा रहा। डोलो मम्मी कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा बेटा, इतना है? अच्छा रहा। दो बार बांके बिहारी जी के दर्शन किए, प्रेम मंदिर के पूरे वो घूमे दर्शन हुए, इस्कॉन मंदिर के सुबह 4 बजे के मंगल मंगल आरती में गए। बढ़िया रहा मतलब बहुत अच्छा सारे, मतलब जो जो चीज मेन चीज होती है सारी चीजें देखी सारे देखा। तो ये रहा वृंदावन का दृश्य जो कि मम्मी और पापा ने अपने फ़ोन में कैप्चर करा था। आइए आप सभी लोग भी वृंदावन के दर्शन कर लीजिए। ये कृष्ण दरबार सजा हुआ है आप सभी लोगों के सामने। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग वृंदावन गए हैं। और ये आप अभी अपनी स्क्रीन पे प्रेम मंदिर देख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह 4:15 बजे इस्कॉन टेम्पल की आरती। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और जिस किसी को भी व्लॉग पसंद आया है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।